eh <laughs> नमस्कार रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और आपने भी जो बहुत ही सधी हुई और सुमधुर आवाज आवाज सुनी वो वो जिस कलाकार की है है हमारे साथ दुबई से खास तौर पर जुड़ रहे हैं कौस्तव कांति गांगुली जी बहुत ही सुधी बहुत ही गुणी कलाकार है इसलिए सबसे पहले तो उनका स्वागत करेंगे और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू करेंगे कौस्तव बहुत बहुत स्वागत है आपका नमस्कार आदाब बहुत बहुत धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए इस इंटरव्यू सीरीज का बाकी सारे सवाल तो कलाकारों के हिसाब से बदलते रहते हैं लेकिन एक सवाल जो बिल्कुल फॉर्म है जो पहला ही सवाल है और निश्चित तौर पर वही सवाल आपके सफर की शुरुआत से जुड़ा हुआ है कि ये संगीत सफर शुरू कैसे हुआ था क्योंकि ये तो मुझे पता है कि बचपन में ही आपने काफी अच्छी शिक्षा दीक्षा मिलने लगी संगीत की लेकिन शुरुआत कैसे हुई जी शुरुआत वैसे मुझे तो उतना ख्याल नहीं है इट वॉज वेरी अर्ली इन द चाइल्डहुड बट एज फार एज आई रिमेम्बर लाइक आई एम फ्रॉम आई म्यूजिकल फैमिली मेरे दादाजी वो गाते थे uh, कलाकार और गायक इसमें जो फर्क है सो ही वॉज अ सिंगर ही वॉज नॉट अ स्टेज परफॉर्मर मेरे पिताजी भी सितार बजाते थे उनका शिक्षण हुआ है वो आकाशवाणी में भी बजाए एंड माई मॉम वॉज ऑल्सो ऑल्सो सिंगर So, एक संस्कार जो है वो बचपन से था जो सबसे ज्यादा हुआ वह सुनना सो इवन विदाउट नोइंग आई हैड बीन एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ गुड म्यूजिक एंड दैट फ्रॉम क्लासिकल म्यूजिक टू गजल टू भजन एंड सो मे बी इवन बिफोर बर्थ आई वॉज एक्सपोज क्योंकि वट आई गॉट वेरी एस्टोलिश्ड बाई आई कुड जस्ट मिमी कैंड सिंग अलॉन्ग निखिल बैनर्जी जी का सितार के साथ एंड आई वॉज नॉट विथ अ फॉर्मल ट्रेनिंग सो एक सारे गा का जो संस्कार है वो शुरू से बचपन से शुरू हुआ था दादाजी के साथ <Greeấy> और बाद में एक चीज जो पेरेंट्स को बहुत स्ट्राइकिंग लगा आई कुड सिंग अलॉन्ग द सरगम जो कोई हिंदी सॉन्ग भी है कोई बड़े लोग अंताक्षरी खेल रहे हैं आई वॉज ऑल ऑलमोस्ट फोर ईयर्स ऑफ एज तो मुझे उसका लफ्स तो याद नहीं था लेकिन मैं उसको सरगम में गा के मैं दिखाना चाहता था कि और आई वॉज विलिंग टू पार्टिसिपेट इन देन दे uh, गुरु के पास ही सिखाना है सो एंड एट द सेम टाइम इट वॉज का लिंकेज दैट गुरु जी के जो श्रुति नंदन जो संस्था है उनका भी एडवरटाइजमेंट तभी आया था सो देन देन आई वेंट फॉर एन ऑडिशन and I was fortunate to be taken in. So that's how it all started. चलिए अभी जैसे कौस्तुभ ने गुरु जी का जिक्र किया तो वो गुरु जी पर हम आएंगे लेकिन उससे पहले एक सवाल और ले लेते हैं कौस्तुभ दो चीजों का बड़ा फायदा हुआ होगा आपको अगर आप अगर आप वेस्ट बंगाल की जो पृष्ठभूमि है संगीत को लेकर खासतौर पर जी उसकी बजाय कहीं अगर आप नॉर्थ में पैदा हुए होते तो पहला सवाल जो अड़ोस पड़ोस के लोगों से लेकर और कई लोग रिश्तेदार लोग पूछते कि अरे भाई संगीत क्यों सिखा रहे हो संगीत सिखाओगे तो फिर खाना कहाँ से खाएगा पैसे कहाँ से आएंगे तो पहली पहली समस्या तो वो सॉल्व हो गई और दूसरी समस्या इसलिए सॉल्व हो गई क्योंकि मदर और फादर और बिल्कुल उससे भी पहले से वो जो ट्रेडिशन था म्यूजिक का वो था तो कहीं से कोई सीखना है इसको लेकर कोई चैलेंज नहीं आया होगा अपने आप बल्कि सब कुछ हुआ होगा घर वालों ने ही कहा होगा कि तुमको जरूर सीखना चाहिए और जब तुम इतना अच्छा कर रहे हो तो फिर प्रॉपरली क्यों नहीं सीखना चाहिए कुछ ऐसा ही हुआ होगा मेरे ख्याल से जी जी बिल्कुल तो I think, uh, pressure के बात तो बात नहीं है बल्कि uh, uh, मेरे पिताजी मुझे लेके जो ऑल नाइट कॉन्सर्ट्स होता था कोलकाता में लाइक फॉर एग्जाम्पल डोवर्लड म्यूजिक कॉन्फ्रेंस उत्तर पारा संगीत चक्र सो दी ओल्ड लाइक एट ओल्ड ट्रेडिशन एंड ऑल्सो देर यूज टू बी वॉन मोर कॉन्सर्ट सीज कॉल श्रद्धांजलि वो डे लॉन्ग प्रोग्राम होता था एंड आई वॉज वेरी अमेज एंड ब्लिस की जिन कलाकारों को मैं कैसेट का जो कवर आर्ट में देखता हूँ जैसे अली अकबर खां साहब हो पंडित जसराज हो उनको मैं सामने से देख सकता हूँ सो दैट वॉज लाइक लिविंग लेजेंड में किसी का दर्शन हो रहा है एंड आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट वन डे वन ईयर क्योंकि वो विंटर में ही एक ही बार होता था So, वो सुनने का जो संस्कार है एंड देन आई कुछ लिटिली दीन रूम में उनका पैर छूता था वो जो एक संस्कार है उसका जो सीख है आई थिंक दैट वॉज वेरी ऑर्गेनिकली गॉट इन टू मी एंड गोट मी गोइंग सो इट वॉज ने प्रेशर ऑफकोर्स ऑन द अदर हैंड आई नेवर था प्रोफेशन फॉर मी बिकॉज आई टू लव जैसे मेरा स्कूल का पढ़ाई भी होता था घर में तो संगीत चलता था सो आई थिंक ऑल द टाइम आई वॉज लिसनिंग टू समथिंग तो वो चलता रहा लेकिन बाद में लाइक खैर हम उस पे आएंगे कि हाउ इट बिकेम अ प्रोफेशन ऑल्सो बट या आई आई यानिकली इन टू द एनवायरमेंट तो संगीत का वर्ताव में रहना मुझे तभी भी जितना अच्छा लगता है अभी भी उतना ही अच्छा लगता है सो आई ऑलवेज लुक फॉर बींग इन दैट एनवायरमेंट सो दैट्स इट सोज और इस बात के लिए अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं कि जो बात अभी आपने कही कि ग्रीन रूम में कलाकारों के चले जाना पिताजी का संगीत के प्रति जो संस्कार था या जो उन्हें जो सम्मान मिला कलाकारों से वरिष्ठ कलाकारों से उसकी वजह से आपको वो एंट्री मिली और आप फिर आपने जाकर अपने उन एक तरीके से कहते ना कि सामने भगवान को देखना जैसे एक संगीत के बच्चे के लिए तो जसराज जी भगवान ही है तो उन जी, कलाकारों जी. तक पहुंचने के लिए पिताजी का जो उनका उनका पुत्र होना आपके लिए सौभाग्य से कम नहीं है बिल्कुल, बिल्कुल। मोर ऑन दैट एंड एंड शुरू से लेकर लाइक like, कुछ भी एक तानपुरा का जब जरूरत हो मुझे बचपन में और भी एक शौक था स्वर मंडल का क्योंकि मैं देखता था जो वोकलिस्ट है वो स्वर मंडल यूज करता है उसको छेड़ना कैसे है

और बात जो अभी कौस्तुभ ने कही वो मुझे लगता है कि जो हमारे सब्सक्राइबर्स इस इंटरव्यू को देख रहे हैं उनके लिए बहुत समझने वाली बात है कि अगर आप अपने बच्चे में संस्कार डालना चाहते हैं संगीत के अच्छे संगीत के तो कुछ कार्यक्रमों में ले जाइए अपने घर से निकलिए और दिन भर मोबाइल और कंप्यूटर की स्क्रीन से जरा समय निकाल कर बच्चों को ले जाइए कार्यक्रमों में और अब तो खैर कोरोना से एक बार फिर थोड़ी राहत मिली है और कार्यक्रमों की जो दुनिया बिल्कुल ठप पड़ गई थी वो शुरू हो चुकी है भारत के लगभग हर शहर में जिस तरह से सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ करते थे वो एक बार फिर से होने लगे हैं तो जरूर जाइए और दिखाइए अपने बच्चों को सुनाइए अपने बच्चों को महान कलाकारों को क्योंकि सुनेंगे तभी तो सीखेंगे खैर वापस आते हैं और अब उस घटना पर आते हैं कौस्तु जिसका आपने जिक्र किया जब आप गुरु जी और गुरु जी यानी पंडित अजय चक्रवर्ती मतलब शब्द कम पड़ जाएंगे आप उनकी उनकी कला के बारे में बहुत मुश्किल है उसको डिफाइन करना लेकिन आप उनके पास जब पहुंचे होंगे पहली पहली मुलाकात छोटे से आप सात आठ साल की उम्र और कहा पंडित अजय चक्रवर्ती क्या हुआ था उस दिन कुछ याद है आपको अः खैर उतना तो गौर से याद नहीं है लेकिन एक चीज जो मैं आ, बिल्कुल याद करता हूं कि उन्होंने शायद हारमोनियम में कोई सुर पकड़े थे और मुझे लगा कि बेटा सा बोलो एंड उतना ही मुझे याद है कि वो सुर का ज्ञान है क्या उतना ही वो जानना चाहते थे so सुर को पकड़ना जो है आई थिंक दैट वॉज इट एंड शुरू में आई थिंक खैर दो तीन साल तो उनके जो सीनियर स्टूडेंट uh, है उनके पास सीखा But it was was very early on, within two, three years. So I was less than 10 years. i i got into his class and थ्री टेन टू हिस्स माई फॉर्चून की हम जो batch में सीखते थे हम आठ दस जो भी मेरे गुरु भाई है मैं उनमें से सबसे छोटा था और शायद दस बारह साल छोटा था बट उन सबको देख के सीखना उनका संगीत सीखना एक माहौल होता है सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द बंदिश और राग का बढ़त और मुझे लगता है कि अगर आपके पास एक, एक बड़े कलाकार के पास एक सात आठ साल का बच्चा जा रहा है सीखने के लिए और आप उससे क्या ही एक्सपेक्ट करेंगे आप उससे ये तो मेरे ख्याल से शायद ही कहेंगे कि जरा बैठो और मुझे छोटा ख्याल और बड़ा ख्याल और फिर उसके बाद तमाम सारी ताने और आलाप सुनाओ यही बड़े बड़े गुरु की खासियत ही यही होती है कि जैसे कहते हैं ना कि एक चावल के एक दाने से पहचान लेना कि चावल पक गया है या नहीं पक गया है तो वो संभवतः यही उनकी कला भी है और यही उनकी पारखी नजर भी है और पंडित अजय चक्रवर्ती जी के बारे में हम विस्तार से आगे भी बात करेंगे इस इंटरव्यू के दूसरे हिस्से में लेकिन कौस्तुभ यहां आप आते हैं आपके संगीत सफर के दूसरे हिस्से में जहां पर आठ नौ दस साल की उम्र में दस साल की उम्र में आप पंडित जी से सीखने लगे और दस साल की उम्र से अगर आप पढ़ाई को देखें तो पढ़ाई का प्रेशर भी धीरे 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 बिल्टअप होता जाता है आठवीं नौवीं दसवीं फिर वो तमाम सारे आ, सब्जेक्ट्स की पढ़ाई कैसे कैसे उसमें आप बैलेंस किया करते थे और आजकल जो बच्चे सीख रहे हैं ये जो सात आठ नौ साल के बच्चे सीख रहे हैं उनके सामने ये जो डायलिमा रहता है कि, कि कितनी पढ़ाई कितना रियाज इस पर अगर आप कुछ फोकस करें तो शायद उनके बहुत काम की बात होगी <laughs> ऐसे कुछ नहीं है ये तो सबके अपने-अपने स्टोरी होती है uh, मेरे लिए जो था आई आई नेवर डिस्टिंग्विशड बिटवीन देम मेरे लिए ये था आज भी यही है लोग पूछते रहते हैं कि यू माइट नो आई आई प्रोफिस इन एन यूनिवर्सिटी एंड आई टीच आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो खैर उसमें बाद में आएंगे बट आज भी मेरे पास 24 घंटे का ही दिन है और उसमें मैं अपना काम करता हूं तो वो संगीत हो वो पढ़ाई हो या ऐसे बातचीत हो एवरीथिंग कम्स इन वन अम्ब्रेला तो अभी तो मेरा यही था सो मैं बचपन में कितना पढ़ाई किया था मुझे तो याद नहीं खेल कूद का तो बहुत याद है लाइक एवरी डे आफ्टर स्कूल आई टू प्ले फॉर थ्री आवर्स वो समर या बारिश में फुटबॉल और विंटर में क्रिकेट और उसके साथ म्यूजिक सुनना गाना रियाज ये तो था ही बट

उसके लिए जितना हो सके टाइम का यूटिलाइज करना वो करते हैं देन आई 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 ओल्ड सैट फॉर सम जूनियर ग्रुप में म्यूजिक कॉम्पिटिशन डोवर्ड फिर रवि किचलू फाउंडेशन ऐसे ऐसे कुछ जगह वहां से भी पहले पुरस्कार आए एंड आई वॉज दंगेस्ट इन माई ग्रुप सो दैट काइंड ऑफ गेव मी मोटिवेशन तो अगर दूसरे लोग बड़े कलाकार इसको समझ मतलब उनका एक रिकोग्शन मिल रहा है देन देन नॉट इट फर्दर एंड देन क्रुशियल डिसीशन जैसे उसमें तो कुछ क्रिटिकल डिस्कशन हुआ ही है जैसे आफ्टर माई टेंथ गुरु जी ने एक बार कहा भी था पेरेंट्स को लेके एक बातचीत हुई थी कि इनको आर्ट्स पढ़ाइए इनको म्यूजिक में ज्यादा टाइम मिलेगा देन वी काइंड ऑफ एग्रीड ऑन की शायद मैं जो अपना आनंद से जो पढ़ता हूँ जो है मैथ्स और साइंस शायद उसमें मैं दोनों इंजॉय करूंगा एंड इट विल बीम कामिंग स्पॉन्टेनियसली And after twelfth, also like I, I pursued engineering, and uske baad, khair, bachelor's ke baad, I got admission into IIT Bombay, I PhD. Ki hai. So at every stage, it was kind of uh, I reflected on myself, ki mujhe kya spontaneously hoga, and I I wanted to enjoy all the pursuits. So it all came about. I never like chose one over the other, and don't want to do that in, in my journey on on along. ये भी बहुत मोटिवेशनल है कि आपने मतलब आ, दोनों को साथ लेकर चलना और बिल्कुल आ, बराबरी से इम्पोर्टेंस देना और आपकी पढ़ाई पर भी एक आध सवाल तो बनता है क्योंकि उस पर उस पर भी आपने बहुत सारे बड़े बड़े काम किए हुए लेकिन मुझे जरा ये बताइए कि अभी आपने कहा तीन घंटे खेलते थे तो जरा कोई अपनी बदमाशी भी इस इंटरव्यू के दौरान शेयर कर लीजिए ताकि जो आपके कुछ रिलेटिव्स देखें उनको पता चले कि ये जो भोला भाला बच्चा था दरअसल बदमाशी बदमाशी भी करता था <laughs> हाँ वो तो बिल्कुल मतलब जब हम आ, बारिश में फुटबॉल खेल के कीचड़ को लेकर घर आते थे तो थो, थोड़ा बहुत पिटाई भी पड़ता था तो वो तो है वो शरारत आई थिंक चाहिए उस उम्र में वही है एंड आई आल्सो लाइक टू अनदर एनिकोड जो लोग अक्सर मुझे भी कहा करते थे कि आप दोनों नया पे पैर रख के चल रहे हो तो डिसबैलेंस हो जाएगा लेकिन मेरा नजरिया थोड़ा अलग है इट्स इट्स लाइक टू इंजिन फॉर माई एयरक्राफ्ट तो एक हवाई जहाज जब चलते हैं तो उनका दोनों इंजन अगर साथ साथ में चले तो वो बहुत सिंक में सीधा में चलता है लेकिन उसमें डिसबैलेंस हो जाए तो वो दिख हट जाता है तो दो नया भी जैसे अगर एनिक हो सकता है सो हवाई जहाज का दो इंजन भी तो हो सकता है सो आई आई बिलीव दैट स्टोरी और कौस्त अब आपकी संगीत के अलावा जो आपका एजुकेशनल मतलब जर्नी रहा है मैं पढ़ रहा था और उसमें लिखा हुआ है कि ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग म्यूजिक इंफॉर्मेशन रिट्रीवल परसेप्शन उसके बाद कंप्यूटर म्यूजिक प्रोजेक्ट फॉर कंप्यूटेशनल मॉडल्स ऑफ वर्ड म्यूजिक डिस्कवरी ये सब कुछ बहुत बहुत टेक्निकल टेक्निकल टाइप का लग रहा है इसको जरा आसान भाषा में समझाइए कि आपके संगीत के इतर जो आपकी पढ़ाई है जिसमें भी आपने जिक्र किया कि आपने पीएचडी भी किया है ये सब कुछ भी संगीत के ही इर्द गिर्द है क्या और अगर इर्द गिर्द है तो उसका क्या आसान शब्दों में उसके क्या मायने हैं? जी बिल्कुल आ, तो ये भी एक एक किस्सा ऐसा है कि मैं जब बैचलर्स का फाइनल ईयर पे दिल्ली में एक कॉन्फ्रेंस में अपना कुछ पेपर पढ़ने के लिए गया था एंड देन देन आई मेट दिस अमेजिंग रिसर्च ग्रुप फ्रॉम आई एंड उनका एक कोलाबरेशन था विद एन यूरोपियन काउंसिल प्रोजेक्ट जिनका नाम था कॉम्प म्यूजिक कॉम्प्यूज so, उनके साथ बात करके फॉर एन इंजीनियरिंग टीम जहां पर मैं म्यूजिक को लेकर थोड़ा रिसर्च कर सकता हूँ सो इट वॉज काइंड ऑफ परफेक्ट फिट एंड देन सो आसान शब्दों शब्दों में बताया जाए तो म्यूजिक टेक्नोलॉजी इज इज लाइक Objectively looking at musical concepts. जैसे हम पहले शब्द बात करते हैं जैसे म्यूजिकल है, तो ये सूर है? और इसको म्यूजिकल कैसे माना जाए तो म्यूजिक एप्रिसिएशन दैट वॉज माई फर्स्ट क्वेश्चन जैसे आप, आप एक लले बाई जो होता है ना बच्चों को सुनाने के लिए जो गाना है एंड सिक्स मंथ इन फैंट वो गाना सुन के सो जाता है बट दे डोंट लर्न म्यूजिक तो उन्होंने तो म्यूजिक का शिक्षण नहीं दिया है तो म्यूजिक एप्रिसिएशन का दो हिस्से है एक है इनेट जो इन एक फैसिलिटी होती है विच इज बायोलॉजिकल जिसको समझने के लिए या एंजॉय करने के लिए या रिएक्ट करने के लिए म्यूजिक सीखना जरूरी नहीं है और दूसरा है एक्वर्ड जो कि सीखा जाता है विच इज द ग्रामर ऑफ थिंग्स तो ये साइंटिफिकली देखना सो हाउ म्यूजिकल इज द म्यूजिक स्केल ये जो सारे गा पधानी है ये सारे आप अलग अलग कल्चर्स में जाइए यही सात सुर का यूज होता है तो वाट इज दैट इन दिस सो म्यूजिकली एक्सेप्टेड एंड इट रियक्ट टू ऑल ऑल पीपल तो इससे शुरुआत है एंड इट कैन गो अप म्यूजिक को कैसे याद रखते हैं जैसे एक एक घंटे का ख्याल हम जब गाते हैं हम तो याद करके जाते नहीं है

बट व्हाट डज दैट एल्गोरिदम डू वो म्यूजिक के अंदर जाके उसका मेलोडी क्या है उसका रिदम क्या है उसका इंस्ट्रूमेंट क्या है उसको साइंटिफिकली और कंप्यूटेशनली जान के और उसमें मॉडलिंग करते हैं सो so, खैर इसमें भी हम दो घंटा अलग से चर्चा कर सकते हैं बट या दिस इज इन वेरी ब्रीफ वर्ड्स अबाउट अबाउट कंपिटिशनल म्यूजिकोलॉजी कौस्तुभ कांती गांगुली जी के साथ बातचीत में यहाँ पर एक ब्रेक ले लेते हैं कल रात एक बार फिर जुड़िएगा हमारे साथ ठीक दस बजे क्योंकि जैसा हमने इस इंटरव्यू की शुरुआत में कहा था कि कल के हिस्से में हम बातचीत करेंगे पंडित अजय चक्रवर्ती पर और जानेंगे कि एक कलाकार के तौर पर एक गुरु के तौर पर वो किस तरह से अपने शिष्यों को संगीत के संस्कार देते हैं सिखाते हैं और आगे बढ़ाते हैं एक कलाकार को गढ़ते हैं कल रात ठीक दस बजे फिर से जुड़िएगा